Very good morning, students. Today we will start our next topic, that is the electric current. आज तो हम electric currents के बारे में study करेंगे, ठीक है? Actually electric current होता क्या है, ठीक है? Last time we had discussed about the charge particle. Charge particles क्या होते हैं? Electrons के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, positive charge के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनकी properties के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है? तो अलग अलग तरह की उनकी properties थी, उनके बारे में हम लोगों ने study किया. तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, व्हिच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट जो बहुत एसेंशियल पार्ट है. क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करते हैं. तो एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करके, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है? सो देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो द चार्जेस पर यूनिट टाइम. यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो करके जा रहे हैं. जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा फ्लो करेंगे दैट मींस द इलेक्ट्रिक करंट इज हाई, ठीक है? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूं, और पर्टिकुलर लेंथ कंडक्टर मैंने कंसीडर कर लिया. अब मुझे पता है कि कंडक्टर जो मेड अप होता है एटम्स, ठीक है? हम इस तरह से कंडक्टर को कंसीडर करते हैं कि उसको स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई करने पर भी हमें चार्जेस मिल जाए. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इस तरह से ये एटम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, विदाउट अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेटअप नहीं किया हुआ, ठीक है? तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे कोई भी फ्री चार्जेस जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ पे देयर इज नो करंट विल फ्लो, ठीक है? तो यहाँ पे होगा कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी. अब जैसे ही मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर लेता हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक तरफ मैंने हाई पोटेंशियल ले लिया और दूसरी तरफ मैंने लोअर पोटेंशियल ले लिया, ठीक है? तो इसकी वजह से होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑलवेज बी मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. इससे कहां से कहां चलती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. अब इसकी वजह से होगा क्या, देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में स्टडी किया था. तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक सफिशिएंट पोटेंशियल मिलेगा, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट जाएगा, डिटैच हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है? हर एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एंड दे आर फ्री टू मूव इन द कंडक्टर. और क्या होगी, फ्री टू मूव इन द कंडक्टर. ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे, इसकी डायरेक्शन में, इसकी तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो है करंट जो फ्लो होना स्टार्ट होता है. अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एक्शन, ठीक है? तो क्या मैं इस कंडक्टर को कंसीडर करता हूँ, बट मैं सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की कंसीडरेशन लेता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो मैंने ये किया, एक पॉइंट के ऊपर मैं कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ पर मेरे घड़ी बहन, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर पोटेंशियल सेटअप कर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे घड़ी टाइम पे खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि एक सेकेंड या एक मिनट मान लेता हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड के अंदर 100 क्रॉस करके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ द चार्जेस, ठीक है? इस पॉइंट के सामने मैं खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो पास करके जा रहे हैं. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करके जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक सेकंड के अंदर जा रहे हैं, तो करंट का अमाउंट भी तो वो उतना ही होगा. तो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, ठीक है? चार्जेस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है, चार्जेस है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है? एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर कंसीडर कर लेते हैं. अगर मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक सेकंड के अंदर यहां पे 100 चार्ज पास करके जा रहे हैं और दूसरे केस में एक सेकंड के अंदर 1000 चार्ज पास करके जा रहे हैं, तो दैट मींस इस केस में करंट जो है वो कम फ्लो करेगा, जबकि दूसरे केस में करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा. क्यों? क्योंकि एक ही सेकंड के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन जो वो पास करके जा रहे हैं. तो दिस वन बेसिकली इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम इग्नोर किससे करते हैं, दैट इज सॉरी इसको हम इग्नोर करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है? तो कैपिटल आई की मेथड की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट इज द टोटल चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज जो है वो पास करके जा रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड द
इलेक्ट्रिक करंट, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द सिंपली टोटल नंबर ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस जो वो फ्लो करके जा रहे हैं, ठीक है। उसी चीज को आप सिंपलीफाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइड करते हैं, एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है दैट वी टेकन एज द एम्पियर, ठीक है। कैसे लिया जाते हैं एम्पियर, सो हम इसको हम देखते हैं स्मॉल ए लिखा जाता है। अब ये एम्पियर किसके इक्विवेलेंट होगा, देखो करंट की यूनिट होती है ये 1 एम्पियर, चार्ज चार्ज की यूनिट होती है इट इज डिनोटेड एज द कूलम्ब, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब से, टू दैट ऑफ द टाइम 90 यूनिट सेकंड, ठीक है। सो द 1 एम्पियर कैन बी रिटन एज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड, तो 1 एम्पियर की करंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी। अगर आप लोगों को बोला जाता है मैं define the 1 ampere of the current flowing in the conductor, तो आप कैसे define करोगे, the 1 ampere current flow in the conductor when 1 unit charge flow in the conductor for the 1 second per unit time, एक unit time के लिए 1 coulomb charge अगर किसी conductor में flow करते हैं, only in that case there is a current of the 1 ampere in that conductor, कितने ampere current flow करेगा 1 ampere in that conductor, ठीक है। So this one is all about हो जाता है।
तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, बढ़ता डायरेक्शन होता कन्वेक्शन में एज वेल एज का बढ़ता डायरेक्शन होता इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। ओके, कुछ और यूनिट देख लेते हैं हम करंट की, जैसे 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power 1 मिली एम्पियर, सॉरी फॉर दैट, 1 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 to the power -3 एम्पियर, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहां वो तो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, उसी तरह से 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power -6 एम्पियर, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, इज द फार्मूला इज यूनिट एज वेल एज द कन्वेंशन करंट एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।